कंगना रनौत पर किए गए भद्रे कमेंट पर सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी, कहा कि लोग ऑपरेट करते हैं अकाउंट। कंगना ने भी सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब दिया, कहा कि हर महिला अपनी गरिमा की हकदार। कंगना के समर्थन में उतरे स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव को लेकर हौसला अफजाई की। बीजेपी नेताओं ने स्क्रीनशॉट लेकर पूछा सवाल, सुप्रिया की बर्खास्तगी कब? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की अभद्र टिप्पणी के मामले में एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया, इसी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग। पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन पर नहीं बनी बात। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। महायुति की सीट शेयरिंग पर अजीत पवार ने आज बुलाई पार्टी विधायकों की बैठक। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विदर्भ में बीजेपी जीतेगी सभी सीटें। बीजेपी को झटका, दार्जिलिंग विभागीय विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। एआईएमआईएम गुजरात में दो सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव, गांधीनगर और भरूच सीट पर उतारेगी उम्मीदवार। टीएमसी को टक्कर देगा शाही परिवार, महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी ने कृष्णानगर सीट से अमृता रॉय को मैदान में उतारा। अमृता रॉय को कृष्णानगर सीट से टिकट मिलने पर टीएमसी ने पलटवार किया, कहा कि राज परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के सीट शेयरिंग पर कटाक्ष किया, कहा बिहार में अलायंस खत्म, कांग्रेस लाचार। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा कि बीजेपी को वोट देना भावी पीढ़ियों का अपमान और विश्वासघात। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा, भविष्य को बताया अंधकार में। बिहार में सीटों को लेकर महागठबंधन के बीच खींचतान जारी, 6 सीटों पर फंसा पेच। गांधी बनाम गौतसे विवाद पर कांग्रेस ने बंगाल बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गांगुली की आलोचना की। बीजेपी के करीमनगर से सांसद बंदी संजय का बड़ा बयान, कहा तेलंगाना में हिंदू खतरे में है। केरल की सीपीआईएम ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन पर देवता की तस्वीर के दुरुपयोग का लगाया आरोप। सिवान सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तकरार के बाद अब इस सीट पर सीपीआई और सीपीआईएमएल आमने सामने। सीपीएम ने भी खगड़िया में अपने उम्मीदवार संतोष कुमार का टिकट फाइनल किया। मोदी और बीजेपी के खिलाफ भाषण के दौरान अपमानजनक टिप्पणी को लेकर डीएमके मंत्री अनिता राधाकृष्णन के खिलाफ एफआईआर। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने डीएमके मंत्री टीआरबी राजा प्रसाद का निशाना, कहा कि द्रविड़ पार्टियों के कोयंबटूर के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। टीआरबी राजा ने अन्नामलाई को परतंस कसा, कहा कि ये लोग चुनावी गर्मी से बच नहीं पाएंगे, अभी तो हमने चूल्हा भी नहीं जलाया।